26 वर्षीय यशवंत सिंह चंदप्पा हाथरस में कांस्टेबल पद पर तैनात था, जिसकी कल देर रात जहरीला पदार्थ खाने से तबीयत खराब हो गई। आनन-फ में यशवंत को एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वहीं यशवंत के पिता का कहना है कि यशवंत की पत्नी भारतीय पुलिस की नौकरी करना चाहती थी, जिस कारण से दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी कारण भारती ने यशवंत को जहर दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई। ये मेरी पुत्रवधू के द्वारा मेरे बेटे को जहर दिया गया। काफ़ी रात में उतर के तो बोला कि मेरी जो है आँखों में अंधेरा छा गया है और मुझे भारती ने और जहर दे दिया है। उसको फिर हॉस्पिटल लेके गए, नैती हॉस्पिटल में वहाँ एडमिट किया और आज जो उसकी जो है 15 तारीख को दिन में करीब 1 से 2 बजे के बीच में मृत्यु हो गई। इनकी आपस में मनमुटाव रहता था। यशवंत की पत्नी भारती और पुलिस की नौकरी करना चाहती थी और मेरे बेटे को मरवा के नौकरी करना चाहती थी। इसकी सूचना आपने पुलिस को दे दी है? इसकी सूचना मैं अभी लिख रहा हूँ NCR और FIR लिखवाने के लिए और पुलिस को लिख रहा हूँ।